नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube प्लेटफॉर्म GS by नीरज सर में। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस प्लस हिंदी जी सामान्य ज्ञान प्लस हिंदी के 50 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जी। 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होंगे, जो UP SSC की वैकेंसी चल रही है उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। अक्सर क्वेश्चन रिपीटेड ही आपको मिलेंगे, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी एग्ज़ाम में उतना ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है जी। कितने कम समय में आप कितना अच्छा अटेम्प्ट करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है फाइनल सिलेक्शन। एक एक नंबर सिलेक्शन के लिए लाभप्रद है, एक एक नंबर से फाइनली सिलेक्शन रुक जा रहा है। इसलिए एक एक क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चंस कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता जी, क्वेश्चंस पे ध्यान दें। और प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है जी। प्रैक्टिस से ये होता है कि एग्ज़ाम में फाइनली समय आपका बहुत कम लगता है जी। तो देखते हैं, अगर चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि तमाम टाइप की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त होती है। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर एक, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कहाँ होती है? ऑप्शन देखें, ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए या नाइट्रोजन के लिए। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है, पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है गुणसूत्र। तो सबको पता होगा, पुरुष में XY मिलता है और महिला में XX जी। और जब XY मिलता है तभी लिंग निर्धारण होता है बच्चे का जी। तो XY से पुत्र, जबकि XX से पुत्री का लिंग निर्धारण होता है जी। तो सबको पता होना चाहिए, लेडीज़ में XX और जेंट्स में XY होता है। 50 क्वेश्चनों का सेट है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं ये भी कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन देखें, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, कई बार रिपीट हुआ है, सब पॉपुलर क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे आघूर्णों का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या फिर संवेग का नियम। तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं उन्हें हम जड़त्व का नियम, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहते हैं तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है जी? ये वर्ड जरूर ध्यान देना है, लास्ट में कहीं कहीं नहीं होता है, कहीं होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। तो यदि हम किसी पात्र में तरल या द्रव के दाब की गणना करना चाहते हैं तो उसमें निर्धारित करने के लिए कौन सी अपेक्षित नहीं है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर द्रव का घनत्व, या फिर पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा? तो जो पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके अपेक्षित के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। अगर द्रव में दाब की गणना करना चाहें तो उसके पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, मान लो ये गैलन है, तो इसका जो ये वाला क्षेत्रफल है ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि उसका दबाव कितना है, इस पर डिपेंड नहीं करता, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, जो उच्च न्यायालय परमादेश जारी करता है वो किस शक्ति के अंतर्गत आता है? ये कहने का तात्पर्य है, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या मौलिक अधिकार या ये सभी। तो ये सारे अधिकार आते हैं परमादेश जारी करने के लिए, तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? जी, स्वतंत्रता के बाद मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव पूछा जा रहा है, किस सन में लाया गया? 54, 63, 61 या फिर 75? तो किस सन में लाया गया था? वो था 1963 जी, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें,
नौवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? जो ये अरब यात्री था सुलेमान, इसने किस साम्राज्य को रूहमा कहा था? जी, रूहमा नाम से संबोधित किया था। ऑप्शन सुने, पाल, राष्ट्रकूट, सेन या फिर प्रतिहार। तो किस सेन को कहा था इसने? तो वो कहा था पाल साम्राज्य को। रूहमा नाम की संज्ञा दी थी पाल साम्राज्य को। किसने दी थी? सुलेमान नामक अरब यात्री ने। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? ऑप्शन सुने, अमीर अली, बदरुद्दीन तैवजी, सैयद अली खान या फिर सर सैयद अहमद खान। तो भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक कौन बना था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो पथ प्रदर्शक बने थे वो थे सर सैयद अहमद खान। टी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, किताब की रचनाकार के बारे में पूछा गया है। बहुत ही फेमस किताब है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। जैसे न्यूटन का नियम इससे पहले पूछा गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सुने, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण। तो ये सबको पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी, ये इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? अबुल फजल की हत्या जहांगीर के निर्देश पर किसने की थी? ऑप्शन सुने, वीर सिंह बुंदेला, यूसुफ जाइयों ने या उजबेगों ने या फिर अफगानियों ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो वीर सिंह बुंदेला नाम के व्यक्ति ने अब्दुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर की थी, ये इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, दह साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दह साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ऑप्शन सुने, बीरबल, अबुल फजल, टोडोरमल या कोई नहीं। तो दह साला जो है वो टोडोरमल से संबंधित है। दह साला बंदोबस्त टोडोरमल साहब से संबंधित है। ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। जी, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, शीतकाल में हैंडपम्प का पानी गर्म होता है क्योंकि? ऑप्शन सुने, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक कहने का मतलब है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जी ठीक, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, यानी ये उदाहरण पूछा जा रहा है, क्या कारण है? प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, गलत है ये, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर अपवर्तन। तो ये घटना अपवर्तन कहलाती है। जी, अपवर्तन मतलब जो असत्य दृश्य हो। जी, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सुने, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, तो जो अकेले घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो उन्हें हम लोग मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर भी कह सकते हैं, मेन फ्रेम भी कह सकते हैं, इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन है। किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे? जी, तो उसे हम लोग मिनी कंप्यूटर कहते हैं, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भारतीय संविधान से संबंधित है। ऑप्शन सुने, जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहर चंद्र महाजन, जस्टिस पी एन भगवती या जस्टिस बी के मुखर्जी। तो किसने किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है, तो नेफ्थलीन का जो मुख्य स्रोत है वो कोल्ड
टार है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश होना है, यस्सी सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश नियुक्त होना है, तो कम से कम कितने वर्ष के लिए आपको अधिवक्ता या वकील होना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 10 वर्ष के लिए आपको अधिवक्ता रहना जरूरी है, बी इज द राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, न्यायाधीश की मैक्सिमम आयु क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके लिए 65 वर्ष, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, जैन तीर्थांकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। ऑप्शन सुने, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते या फिर ब्रह्मचर्य। तो क्या जोड़ा था महावीर स्वामी ने, तो वहाँ पे ब्रह्मचर्य जोड़ा था, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। ऑप्शन सुने, महाभनिष्क्रमण, प्रतीत समुत्पाद, धर्म चक्र प्रवर्तन या उप संपदा। तो गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभनिष्क्रमण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश, यानी पवन ऊर्जा द्वारा बिजली सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में बनाई जाती है, विश्व में नंबर एक पे कौन सा देश है, जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क या फिर स्पेन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। तो पवन ऊर्जा में नंबर एक पे है अमेरिका, ए इज द बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सुने, नारियल, कहवा, चावल या फिर रबड़। तो बागवानी खेती के अंतर्गत चावल नहीं आएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी राज्य तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, बागवानी में चावल नहीं आता है। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, जी 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, तो खाद्यान्न कृषि में क्या नहीं आएगा। ऑप्शन सुने, चावल, गेहूँ, मक्का या फिर गन्ना। तो गन्ना साफ साफ दिख रहा है कि यह खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, और ये एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन सुने, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु। तो ये किस राज्य में है, महाराष्ट्र राज्य में है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना, बहुत फेमस है, कई बार ये पूछी जा चुकी है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन सुने, ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी या देवनागरी। तो कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं लिखी जाती है, तो वो है खरोष्ठी, जी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष क्रियान्वित हुआ, जी WTO की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1995, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, ये भी सबको पता होगा, कोलकाता, जी ए इज द राइट आंसर। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मीनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप, मीनेंडर और नागसेन के बीच वार्तालाप का विवरण किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन सुने, दीपवंश, मिलिंद पाहो, महावंश या महावास्तु। तो मीनेंडर और नागसेन के बीच वार्तालाप के बारे में किस ग्रंथ में मिलता है, तो मिलिंद पानहो, जी सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के लिए लंगर परंपरा की नींव किसने रखी थी? जी, लंगर परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो वो थे गुरु अमरदास। जी, गुरु अमरदास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जोरेस्टर, जोरेस्टर जी पारसी धर्म के संस्थापक थे, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर है, यानी एलोरा में जो गुफा और शैलकृत मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध और हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू और जैन, और हिंदू बौद्ध एवं जैन। तो एलोरा में पूछा गया है तो इसलिए ये होगा हिंदू बौद्ध और जैन। जी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन सुने, ग्वालियर, उदयपुर, जयपुर या फिर जैसलमेर। तो ये मनाया जाता है जयपुर में, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, लॉर्ड मैकाले संबंधित था सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित था? अंग्रेजी शिक्षा से, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? चाहे भारतीय आर्य भाषा की जननी कह दो, या आर्य संस्कृत का आधार कह दो, या देवभाषा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सुने, तमिल, संस्कृत, हिंदी या फिर उर्दू। तो वो कौन सी भाषा है जिसे हम देवभाषा के नाम से जानते हैं? तो हमारी पवित्र भाषा संस्कृति होगी, जिसकी लिपि देवनागरी है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, मेघ गर्जना वायुमंडल की किस परत में होता है? चाहे मेघ गर्जे या कुछ भी करे, पानी बरसे या बादल हो, किस मंडल में होगा ये? तो ये होगा क्षोभ मंडल, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ स्थित होगा? हैदराबाद। जी, हैदराबाद, डी इज द राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? ऑप्शन सुने, कुतुब मीनार, खजुराहो, ताजमहल या फिर अजंता की गुफा। तो भारत का जो सबसे पुराना स्मारक है वो है अजंता की गुफा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है धर्म, योग, दर्शन शास्त्र या फिर कानून। तो क्या विवेचित है उपनिषद में? दर्शन शास्त्र, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो, मूलक दास, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जी, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन सुने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर ने। जी, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? ऑप्शन, पाटलिपुत्र, दिल्ली, कन्नौज या इनमें से कोई नहीं। स्वामित्व के लिए हुआ था पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष, किसके बीच हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था कन्नौज के लिए, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों, उनके काम के लिए कौन व्यक्ति आगे आएगा? ऑप्शन, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें,
भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, अमेरिका से, जर्मनी से या फिर आयरलैंड से? तो जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से प्रभावित है। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। समतापमंडल में ओजोन परत का कार्य है, तो समतापमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? ऑप्शन सुने, भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आकृति को घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना, या फिर भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। तो समताप मंडल में ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वो है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। डी इज द राइट आंसर। 95। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन, टैगोर, रहमत अली, इकबाल या फिर भगत सिंह। तो सबको पता होगा ये इकबाल साहब की फेमस रचना है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशिता हमारा। 96। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये बताना है 1912, 1918, 1915 या 1921। तो किस वर्ष हुआ था? 1921। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, ऊधम सिंह, नाथूराम गोडसे या फिर चंद्रशेखर आज़ाद? तो किसने की थी? वो किए थे ऊधम सिंह। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सबको पता होगा ये ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। इससे पुराना वाला लेक्चर जो हमने अपलोड किया था उसमें भी ये डाटा पड़ा है। डी इज द राइट आंसर। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? सबको पता होगा 1928 में भारत आया। जीएस का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है। 50 क्वेश्चन थे सामान्य विज्ञान के, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए ये कमेंट में बता सकते हैं। अब हम लोग 50 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं उन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। उत्साह किस रस का स्थाई भाव है? तो उत्साह किस रस का स्थाई भाव है? सबको पता होगा, वीर रस। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152। नाथ दयो कर कमन भरोसा, सोसिस सिंधु करहि मनोरोषा, कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। किस चंद्र का प्रयोग हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सबको लग रहा होगा ये चौपाई है। जी, 16-16 मात्राएं आ रही हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी भाषा की बोली कौन सी नहीं है ये बताना है। तो कौन सी बोली ऐसी है जो पश्चिमी हिंदी भाषा की नहीं है? ऑप्शन सुने, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या फिर बुंदेली। तो 153 का अवधी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में 154। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होगा? कई बार पूछा गया है ये डाटा, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में 155। विवाह का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो विवाह का पर्यायवाची कौन सा पर्यायवाची है? जी, विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? परिणय। इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 156। 156 की बात करें, त्यौहार का तत्सम शब्द कौन सा है? तो तिथिवार को हम लोग त्यौहार के नाम से जानते हैं, तिथिवार। इज द राइट आंसर। तो इसके भी बहुत अच्छे वीडियो पड़े हैं और लेटेस्ट डाटा के साथ भी कुछ वीडियो अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। तत्सम तद्भव पर्यायवाची के लिए बहुत ही अच्छा एक अलग से वीडियो है, अपलोड किया जाएगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जरूर करें। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? तो पंडित का विलोम बताना है क्या होगा। तो पंडित का विलोम होगा मूर्ख, क्योंकि पंडित मतलब ज्ञानी, मूर्ख मतलब अज्ञानी। चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो चुलबुलापन में अन प्रत्यय है, चुलबुलापन, तो अ और ना आता है लास्ट में, यही प्रत्यय होता है। ठीक, अन प्रत्यय।
सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159 की बात करें, दुःश्वासन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुधन को दुःशासन का संधि विच्छेद क्या होगा? सॉरी, यहाँ दिखने में लग रहा है कि ये दुःशासन लिखा है, बट ये पूछ रहा है अगर दुःशासन की बात की जाएगी तो दुधन शासन जी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160, दाल रोटी में कौन सा समास है? सबको पता होगा इसका आंसर, द्वंद्व समास। दाल रोटी, राम श्याम, घर द्वार, सीता गीता, ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो किसी मत का जो सबसे पहले प्रवर्तन करता है, आदि प्रवर्तक कहते हैं उसे, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162, मधुबाला के रचयिता कौन है? बहुत ही फेमस व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन, इलाहाबाद में जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 63, हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह की संख्या है, वर्णमाला में अयोग्यवाह की संख्या है, तो कितनी संख्या है हिंदी वर्णमाला में अयोग्यवाह की? तो वो दो है जी। राष्ट्रभाषा कहलाती है साहित्य भाषा की जननी, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, यह बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो उसका जो राइट आंसर है वो है बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम लोग राष्ट्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। बीजक के रचयिता कौन है? सबको पता होगा बीजक के रचयिता कबीरदास, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 166, विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो ये तुलसीदास, बी इज द राइट आंसर। दोहा में कितने चरण होते हैं? दोहा में चार चरण होते हैं जी, दोहा में चार चरण होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में, इससे पहले मैंने बोला था, 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 169, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170, कादंबरी के लेखक कौन हैं? सबको पता होगा कादंबरी के लेखक बाणभट्ट साहब हैं, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 जी, 171 की बात की जाए तो गबन किसके द्वारा लिखित है? तो गबन के रचयिता प्रेमचंद्र जी हैं, सी इज द राइट आंसर। फिर हम लोग बात करें तो निर्देश दिया गया है रस का पहचान करना है। बैरो सवै रघुवंश कुठार की धारे में वारन बाज सरत थे, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समरत थे। रस के नाम है भयानक, रौद्र, करुण या फिर भक्ति, तो कौन सा रस होगा यहाँ पे? तो ये होगा रौद्र रस, सी इज द राइट आंसर। 173 की बात करें, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कौन सा रस है? तो यहाँ बताना है तो ये वियोग श्रृंगार रस होगा जी। राम जी ये लाइन बोल रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, जब सीता जी की खोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, मायो मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, तो मायो मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ, यहाँ कौन सा रस है? तो ये भी वात्सल्य रस है, इज द राइट आंसर। 175 की बात करें, निम्न रूपों में से किसकी वर्तनी चुनिए, साहित्यकार को पूछना है किस टाइप से लिखा जाता है, तो सी इज द राइट आंसर, साहित्यकार जी। 176 की बात करें, ईश्वर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ईश्वर का पर्याय नहीं है ये बताना है, तो ये जो जीव नोदक है ये ईश्वर का पर्याय नहीं होता है, जगदीश परमात्मा जीवेश, ये सारे ईश्वर के पर्यायवाची हैं। 177 की बात करें, कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है? क्या नहीं है ये वर्ड जो जुड़ जाता है कई विषम भक्तियाँ पैदा कर देता है, तो कमल का पर्याय बचाना है, तो कमल का पर्याय जलद नहीं होता जी, डी इज द राइट आंसर। शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो शक्ति के उपासक के लिए साक्त होगा, साक्त, शक्ति का उपासक मतलब साक्त, बी इज द राइट आंसर। 179, राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है?
तो राजेश का संधि विच्छेद बताना है, तो ये गुण स्वर संधि में जाएगा। ये इज द राइट आंसर। आज दनेशा राजेशा दिनानुदिन के समास का उदाहरण है, तो दिनानुदिन जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ये इज द राइट आंसर। 181 नारीर कोनो देश नाही, किस प्रकार महिला लेखिका की रचना है। नारीर कोनो देश नाही, ये किसकी रचना है। तस्लिमा नसरीन, कृष्णा सोबती, महाश्वेता देवी या मैत्री पुष्पा, तो ये किसकी रचना है। तो ये है तस्लिमा नसरीन, ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182 भोपाल पालव भूमपति बदनेश नंद सुजान हैं, इस पद के लिए छंद का प्रयोग हुआ है, कौन सा छंद है ये। तो ये बताना है कौन सा छंद है, तो ये हरिगीतिका, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 183 शांति दूत में कौन सा समास है। तो शांति दूत में सबको पता होगा तत्पुरुष समास है जी, शांति दूत में तत्पुरुष समास, इज द राइट आंसर। अजन में कौन सा समास है, तो अजन में कौन सा समास होगा अव्ययी भाव समास, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 185 योग ऋण शब्द है, तो कौन सा योग ऋण शब्द है इसमें से, तो वो है पंकज, इज द राइट आंसर। 186 की बात करें जो आँखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो आँखों से ना देखा जा सके उसे अगोचर कहते हैं, बी इज द राइट आंसर। 187 की बात करें ढिढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ढिढोरा पीटना मतलब प्रचार करना, बी इज द राइट आंसर। जैसे इस समय चुनाव में सब ढिढोरा पीट रहे हैं। तूती बोलने का सही अर्थ क्या है, 188 का तूती बोलना मतलब रौब होना, जी रौब होना। कलम का सिपाही लेखक कौन है, तो कलम का सिपाही ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अमृत राय जी, अमृत राय जी, बी इज द राइट आंसर। 190 शुद्ध वाक्य का चयन करना है, पाठ पढ़कर कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल, तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, तो कल पाठ पढ़कर आइए जी, कल पहले आएगा, कल पाठ पढ़कर आइए, इज द राइट आंसर। 191 निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए, जी तो विलक्षण का सही संधि सॉरी सही वर्तनी बतानी है विलक्षण का, तो विलक्षण सही है, इज द राइट आंसर। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भ्राता मुझे नवमित्र सा है, देखूं उसे मैं नित्य नेम से ही मानो मिला मित्र मुझे पुराना, कौन सा रस है। तो इसमें रस बताना है, तो वो होगा इंद्र वज्रा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 193 शवे कित चकोर तू सफल करे किन नयन, चार दिना की चांदनी फिर अंधियारी रहन, फिर अंधियारी रहन सके, लखी सोच करोगे सजग नहीं सजग रहे नहीं धूल, कालकृत जाल परोगे बरने दीन दयाल लाल, यह काल न खावे रोम रोम प्रति सोम, कलाना लखत कित सोवे, कौन सा रस है इसमें। तो 193 कुंडलियां है, सी इज द राइट आंसर। 194 भारत भारती किसकी रचना है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया है, तो भारत भारती सबको पता होगा मैथिली शरण गुप्त, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 195 चंद्रकांता किसकी कृति है, ये चंद्रकांता भी बहुत फेमस रचना है देवकीनंदन खत्रे साहब की, सी इज द राइट आंसर। प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। लड़कियों को जाने दो, इसका शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा सही होगा, तो लड़कियों को जाने दो, एकदम सही है, ए इज द राइट आंसर। 197 आभारी हम सदा रहेंगे, तो हम सदा आभारी रहेंगे, इस टाइप से बोला जाता है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 नदियों बह रही हैं, तो नदियों बह नहीं रही हैं, नदियां बह रही हैं, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 199 कोसी का घटवार किसकी प्रसिद्ध रचना या कहानी है,
तो कोसी का घटवार, ऑप्शन सुने, फणेन्दुनाथ रेणु, प्रेमचंद्र यशपाल या शेखर जोशी। तो जो कोसी का घटवार है शेखर जोशी की फेमस रचना है। डी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, इस पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है। तो ये शांत रस है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, तो ये शांत रस है। कैसा लगा आज का टेस्ट? ये 100 क्वेश्चनों का टेस्ट था, 50 क्वेश्चन हिंदी के और 50 क्वेश्चन जीएस के, जीएस के 50 प्लस हिंदी के 50 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही गए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, हिंदी थोड़ा आज टफ था जी, हिंदी का पोर्शन थोड़ा टफ था। आशा करता हूँ अगला वीडियो थोड़ा सही रहेगा जी। अगर चैनल पे भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पे फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।